इंस्टॉलेशन भी चाहिए ना, बहुत सारे इंस्टॉलेशन। ये मत सोचो कि देश तुम्हें क्या देता है, सोचो ये कि तुम देश में क्या देते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तो मिलती है जब आपके कंट्री का फ्लैग शान से लहरा रहा होता है। इतिहास के अनुभव लेकिन हिंदुस्तान के भविष्य में जरूर। मैं सिर्फ एक जबान समझता हूँ, हिंदुस्तानी। आजादी का रास्ता आजाद खिलाड़ियों से बनता है। मैं व्हिस्लिंग वुड्स के सेलिब्रेट सिनेमा फेस्टिवल में आकर काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे एक बातचीत का माहौल, एक वार्तालाप का माहौल, डिस्कशन का माहौल, सवाल उठाने का माहौल ये अभी है और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी शिक्षा के संस्थान में जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें हम क्या ही सीख पाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई थिंक व्हिस्लिंग वुड्स जो है वो हमारे मतलब बॉम्बे का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग और फिल्म से रिलेटेड सारे प्रोफेशंस में ट्रेनिंग देता है स्टूडेंट्स को, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड मेरा बहुत पुराना नाता रहा है व्हिस्लिंग वुड से। मुझे याद है, मैं मेरे बॉम्बे आने के पहले भी, मैं जब दिल्ली में कॉलेज स्टूडेंट थी, मैं ट्रेन पकड़ के 3 दिन के लिए बॉम्बे आई थी। पहली बार उस टाइम मैं बॉम्बे आई थी व्हिस्लिंग वुड्स के एक स्टूडेंट की एक शॉर्ट फिल्म में काम करने के लिए, जो हमने कैंपस पे शूट की थी, उनका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट था। सो व्हिस्लिंग वुड्स के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर। हाँ, मुझे लगता है कि ये सारे जो फेस्टिवल्स ऐसे होते थे कॉलेजेस में, हम लोग बहुत मज़े करते थे। हम लोग अक्सर, मैं ऑर्गेनाइजर्स के ग्रुप में रहती थी, तो हम लोग बड़ी मेहनत करते थे, प्लानिंग करते थे, और हम लोग लोगों को इनवाइट करते थे और फिर उनका ख्याल रखते थे, पूरा हैंडल करते थे, और बहुत एक अलग एनर्जी होती है यू नो फेस्टिवल को प्लान करने में, पुल ऑफ करने में। हम लोगों के पास उतनी फंडिंग नहीं होती थी, तो मुझे तो एक्चुअली याद है कि हमने एक बार उस टाइम मैं JNU में थी, एक हल्ला बोल करके फेस्टिवल किया था जिसमें हमने चंदा मांग मांग के लोगों से, चंदे में जितना पैसा हमें मिला उसमें से हमने वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। तो मुझे लगता है कि डिस्कशन और नॉलेज, ज्ञान और शिक्षा जो है वो सीमित नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, और ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं वो ये पॉसिबल करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्लासरूम के दायरे से बाहर निकलकर
ज्ञान की प्राप्ति कर पाएँ, डिस्कस कर पाएँ, उनका मानसिक मानसिक एंड ऑल्सो आई थिंक उनके सोल का ग्रोथ हो. सो इट्स ग्रेट. यार मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि मैं स्टेज पे कैसे पहुंच गई और स्टूडेंट से इस तरफ कैसे आ गई. मुझे लगता है कहीं पे मेरे मन में अभी भी स्टूडेंट जिंदा है, क्योंकि मेरे पास हमेशा बहुत सारे सवाल होते हैं. और सबसे ज़्यादा मैं स्टूडेंट नुमा तब महसूस करती हूँ जब मैं फिल्म में काम कर रही होती हूँ और मैं मुझे रोल प्रेप करना होता है. तो मैं बिल्कुल ही एक स्टूडेंट की तरह अपने रोल्स को अप्रोच करती हूँ. मैं बिल्कुल, अगर आप मेरी स्क्रिप्ट देखेंगे उसमें नोट्स होते हैं, उसमें सवाल होते हैं डायरेक्टर्स के लिए. मैं स्टिकर्स लगा के सवाल मार्क करती हूँ डायरेक्टर के लिए, राइटर के लिए. मुझे बहुत मज़ा आता है प्रेप करने में, क्योंकि आई थिंक एट हार्ट, मतलब मैं दिल से अभी भी स्टूडेंट ही हूँ. हमारा जो पैनल था वो तो एक्चुअली अंजुम सर ने कंडक्ट किया था, तो बहुत ही कठिन सवाल पूछे उन्होंने और बहुत, लेकिन अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा. मेरे पैनल में प्रकाश झा सर और नीरज सर भी, नीरज गेवन सर भी थे. तो ये बहुत ही आई थिंक हमारे ज़माने के बहुत बहुत नामी फिल्म मेकर्स हैं जिनका काम बहुत ही बेहतरीन है. तो आई वॉज वेरी ऑनर्ड टू शेयर द स्टेज विद देम. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में आप सीखने के लिए की कोई उम्र नहीं होती. मैं बिल्कुल ही नीलबट्टे सन्नाटा वाली सीख देना चाहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. सीखने के लिए क्लासरूम में रहना ज़रूरी नहीं होता है. आप अपना मन अगर खुला रखें, आप अगर अपना एटीट्यूड हम्बल और मॉडेस्ट रखें, आप कहीं पर भी किसी से भी सीख सकते हैं. मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में हर मतलब हर तरह की सीख ली है हर तरह के लोगों से. सो आई थिंक कि अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए. आप अपना माइंड खुला रखना चाहिए एंड आई थिंक दैट वन कैन ऑलवेज लर्न. एंड आई डू वांट टू से कि सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है. मत एक्सेप्ट करिए अगर कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है और बोल रहा है कि ये यही ठीक है या यही नेचुरल है या यही लॉजिकल है. आप अपना तर्क इस्तेमाल करिए, अपना तर्क लगाइए और आप अपना दिमाग लगा के सीखिए. और ये हमेशा याद रखिएगा कि सही और गलत का सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता है. ज़रूरी नहीं है कि जो सत्ता में है वो अगर आपको कह रहे हैं कि हाँ यही सही है तो ज़रूरी हो कि हाँ वही सही है. तो ज़रूरी है कि हम अपना भी दिमाग लगाएं और हम अपने कंक्लूजन्स पे भी अराइव करें. एंड एज स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दैट. मेरी अगली फिल्म मैं खुद प्रोड्यूस करने वाली हूँ. उसमें मैं एक्ट भी करने वाली हूँ. वो भी हम स्क्रिप्ट कर रहे हैं, इट्स अबाउट टू गो ऑन द फ्लोर्स. मैंने एक और फिल्म लिखी है, वो भी जल्दी ही फ्लोर पे जाएगी. और रिलीज़ वाइज मेरी अगली रिलीज़ होगी रस भरी नाम का एक वेब सीरीज़ जो अमेज़ॉन पे आएगा आई थिंक. थैंक यू. इतना अच्छा बिहेवियर. यहाँ पे नहीं देखते हो मैम पराजी? मैंने यहाँ पे नहीं देखा पराजी रुकिए पराजी 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 Thank you.
प्रोग्राम आ गया ना। ओके जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जल्दी। बाय बाय अभी। हाँ बाय। ओके तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा रहा सेशन। हमने देखा ढेरों सारी बातें कि आप लोगों ने ढेरों सारे सवालों का जवाब दे दिया, तो आप लोग बताइए कि कैसा रहा। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके, और मेरे लिए तो दोनों तरफ यंगस्टर्स थे, यहाँ भी यंगस्टर्स और वहाँ भी यंगस्टर्स, तो अच्छा लगा मुझे इस यंग लोगों के साथ। ग्रेट एनर्जी, आई थिंक ग्रेट एनर्जी, बहुत अच्छा। I think it's really nice and it was fun and this man single-handedly made it really funny. So it was Shweta B. Shweta B was like amazing also. And Shweta T was having coffee, not tea. Oh my God! But I think these panels are actually fun because you get to meet people who you really admire and would love to work with. Yeah. And plus, I think the energy that was there in the auditorium, you were there, we were there. Many years, a few years back. Mm. So it's great to see that ki nahi yaar kuch to kar rahe hain, kuch to theek kar rahe hain. I think it's great. I think Whistling Woods with the kind of you know, the students that they have, there are so many departments and there are people over here who are here for the passion and love for cinema, and it's great to interact with, you know, like-minded people like Ranveer Shani and Shweta T here. And even the students, I think you can tell from the quality of questions they ask what kind of education they receive. So I think the quality of question was very good. वो जो सवाल पूछ रहे थे वो नहीं था कि आप लोग आपका डाइट कैसे मेंटेन करते हैं, समर में आप कितने नारियल पानी पीते हैं। सो द क्वेश्चंस वर आल्सो वेरी टेक्निकल, वेरी इंटेलिजेंट, एंड इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू आल्सो इंटरैक्ट एंड रिफ्लेक्ट। यू नो, आप कई बार कुछ बोल के रिफ्लेक्ट करते हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं कुछ बोल रही थी एंड आफ्टर दैट व्हिच हैपेंस वेरी ऑफन विद मी, मैं बोल के सोचती हूं, बट यू सेड टू रिफ्लेक्ट दैट व्हाट यू सेड, एंड आई थिंक इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो बिकॉज़ इट वाज सच अ ग्रेट इंटरैक्शन। नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा था कि मुझे मौका मिला इन तीन देवियों के साथ बैठ के स्टेज पे यंगस्टर्स के साथ डिस्कशन बातें करने का। रोहित जी ने जो सवाल पूछे वो राहुल सॉरी राहुल जी ने जो सवाल पूछे वो मेरे लिए यू नो, एक जब आप खुद ही मनन करते हैं, सोचते हैं सवालों के बारे में, कई बार बहुत नई चीज़ें आपके अपने समझ में आती हैं। तो वही है, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन का ही, एवरीबडी वॉक्स अवे विद समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो इनफैक्ट कुछ ही साल पहले मैं इसी ऑडिटोरियम में आया था अंजुम रजावली सर की क्लास लेने के लिए, वर्कशॉप लेने के लिए, तो ऑडिटोरियम भी वही था। मैं तो हर कुछ सालों में कुछ ना कुछ वर्कशॉप या कुछ अटेंड करता हूँ ताकि मेरा जो कुछ नया सीखने को मिले और एक रिजुविनेट होता है आदमी अपनी काम में। नहीं, और मुझे तो, मैं फिल्म स्कूल गई हूँ, ये और एक फिल्म स्कूल है, तो वो एक जो एनर्जी है ना कि बच्चे आते हैं कुछ बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे एस्पिरेशंस लेके, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ, एज श्वेता सेड, यू सी योर सेल्फ व्हाट यू वर अ फ्यू इयर्स अगो एंड नाउ यू हैपन टू बी ऑन दिस साइड, बट यू नो वी आर ऑल हियर बिकॉज वी जस्ट लव सिनेमा एंड दैट्स वन सॉर्ट ऑफ ग्लू दैट यू नो ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर. And you want to do something, you want to create something, and these are kids who are going to grow up and create and make cinema. So I didn't think about that aspect also. But so that energy only bahut hi maza aata hai, matlab like Ranveer said, wo rejuvenation hota hai na, I'm feeling rejuvenated, you know, with just that energy, which is really something that we should do probably much more often. Yeah. And aap se kis tarah ke sawal? आप देखो ना, टेलीकास्ट, फ्री टेलीकास्ट।
आज जब हम वॉक कर रहे थे टुवर्ड्स द स्टेज तो मुझे लगा कि यार हम इतने बड़े हो गए क्या, मतलब मैं अपने दिमाग में तो वहाँ हूँ, बिकॉज आई थिंक एज एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा एक स्टूडेंट रहते हो, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक अभी यहाँ ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए. एंड लाइक वी आर सेइंग दैट जो कुछ सवाल होता है ना आपको भी, यू थिंक अबाउट इट कि अच्छा ओ, बिकॉज हम अपने काम में अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने खुद के बारे में जो हम शायद खुद से सवाल नहीं करते हैं. सो जब कुछ मॉरली कुछ बात होती है, एथिक्स की बात होती है, या सेइंग नो टू अ प्रोजेक्ट की बात होती है, सो देन यू थिंक अबाउट कि आप क्या कह रहे हो, आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं. एंड डेफिनेटली आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट अ पैनल डिस्कशन इज कि डेफिनेटली द ऑडियंस, द स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो कि आपके साथ कौन है पैनल पे, क्या क्या आपको सुनने को मिलेगा. For me, ki kaun hai, and I have enjoyed today so much that throughout, and it resonates. Matlab, mere jo thinking process hai, it feels nice ki achha, baki log bhi, main akeli pagal nahi hu, mere saath aur bhi aise ho, kahi pagal log hai. So, it's great, it feels good. Chale, jaate jaate, Ranveer ji, aap sabhi ki is duniya mein jitne bhi log hai, actor banna chahte hai, aap log ko sunte hai, aapke follower hai, aapke fan hai, unko kya kuch tips dena chahiye? यार अभी तो वहाँ देकर आए टिप्स, वही प्लेबैक कर रहे हैं, वही प्लेबैक कर रहे हैं, वो निकाल, आपने रिकॉर्ड नहीं किया वो, नहीं वो नहीं बता दो ना, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में वो फुटेज खरीद लीजिए इनसे और वो दिखाइए. वो इतनी सीरियसली कह रहा हूँ, अगर वाकई में आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं ना कि यंग जो एक्टर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, तो लेके वो दिखाइए. पर ब्रीफ में बता दो क्योंकि मतलब अच्छा नो नो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ. देखिए श्वेता बी जी ने वहाँ पे बहुत अच्छी बात कही. पहली बात तो आप एक एक आपको एक मोहब्बत होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए फिल्म्स और फिल्म मेकिंग के साथ. उसके बाद आप डिसाइड करें कि पहले फिल्म मेकिंग का अगर प्यार है, फिल्म मेकिंग का जो कि खुद बहुत मेहनत का काम है, उसमें आपको अगर लगता है कि आपको प्यार है, फिर आप सोचें कि आप क्या एक्टर बनना चाहिए आपको. नहीं, अगर आप एक्टर बनना चाहेंगे ये सोच के कि नहीं यार इसमें तो ग्लैमर है, पैसा है, स्टाइल है, लड़कियां हैं, शोहरत है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो गलत मोटिवेशंस हैं मेरे हिसाब से. मैं आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज बहुत लोग ये सोच कर आए और उनको वो सब मिला भी, बट वो परसेंटेज बहुत कम होती है. वो बहुत यू नो मतलब शाहरुख खान, दिलीप कुमार बनना, वो एक परसेंट से भी कम का चांस है, 0.0001% का चांस है. Also, वो बहुत शॉर्ट लिफ्ट होगा क्योंकि ऐसे बहुत लोग आएंगे जो कि आपसे ज्यादा ग्लैमरस होंगे, आपसे ज्यादा उनके लंबे बाल होंगे. तो मतलब करेक्ट रीजंस के लिए अगर आप आ रहे हैं और मेहनत करने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज आई मीन Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.